सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बात करने का मजा तो उनके साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले आपको कुछ सोचना ना पड़े। लिखे पर कभी शिकायत ना किया करो, तुम इतने भी अकलमंद नहीं जो खुदा की इरादे समझ सको। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते तो लोग इसी तरह से निभा रहे हैं। आज का पंचांग 12 जून 2022 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 12:27 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 5:28-7:09 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:59-12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर 6:33 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। तुला राशि 12 जून 2022 दिन रविवार, प्रतिबंध या जटिलता आपकी यात्रा की योजनाओं में दखल दे सकती है या नई शुरुआत का समय है। धन का नुकसान या अनपेक्षित व्यय हो सकता है। आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है, इसीलिए खास मन के अनुसार जीवन के प्रति अपना रवैया बदलें। आप अपने भौतिक दृष्टिकोण को बदलने की भी कोशिश करेंगे। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं, बस आपको उन्हें खोजना है। आप बहुत अच्छे निर्णायक हैं और सब चीजों का आसानी से विश्लेषण कर लेते हैं। अच्छा, आपको अपनी इस विशेषता के लिए खूब तारीफ मिलेगी। लोग अच्छी तरह काम करने के लिए आपकी ओर देखेंगे और आपसे सीखेंगे। आपको किसी खतरनाक जगह पर यात्रा करने की जरूरत संबंधी सूचना मिलेगी। घबराए नहीं, यह यात्रा छोटी सी ही होगी। संतान पक्ष को कोई उपलब्धि हासिल होने से सुकून और राहत मिलेगी। रिश्तेदारों के साथ खराब संबंधों को सुधारने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी और इसमें आप कामयाब भी होंगे। एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। काम से संबंधित जानकारी प्राप्त करके ही आगे बढ़ें। पिछले समय में जो नुकसान उठाना पड़ा था वह बातें दोहराए नहीं। अपने काम के अलावा कला क्षेत्र में भी रुचि बढ़ सकती है। नया काम सीखते समय खुद को अहंकार से दूर रखें। अभी के समय में अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। लव रिलेशनशिप में सुधार होने से सकारात्मकता रहेगी। यूरिन संबंधित तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसे घरेलू नुस्खों से दूर किया जा सकता है। विदेश में करियर बनाने संबंधित गतिविधि को झटका लग सकता है। किसी जनसंपर्क कंपनियों को महत्वपूर्ण काम मिल सकता है। वैवाहिक जीवन की ओर विशेष ध्यान दें, पुरानी चोट परेशान कर सकती है। ब्याज का काम करने वाले को विपरीतता का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय अधिकारियों को ट्रांसफर के मामलों में अनुकूलता रह सकती है। कंधे की उठापटक झटका दे सकती है। एलर्जी का खास ध्यान रखें। आईटी प्रोफेशनलों के लिए नवीन कार्य प्रस्ताव का आना उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह संबंधित मामलों में अनुकूलता रह सकती है। परिवार को तनाव से बचाएं, सिर में दर्द भी रह सकता है। टायर ट्यूब के थोक कारोबारी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। पदोन्नति के मामलों में सरकारी पक्ष अनुकूल रह सकता है। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता रह सकती है। मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिल सकती है। सावधानियां, पड़ोसियों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। ध्यान रखें कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने लुक्स में बदलाव करके आप उसे लुभा सकते हैं जिसके सपने आप लंबे समय से ताक रहे हैं। नए हेयर कट या केस अच्छा के बारे में क्या ख्याल है? कार्य या निजी जीवन में हुए रैंक में परिवर्तन से
एक नई शुरुआत होगी। ससुराल वालों की परेशानियां आपको प्रभावित करेगी। आज प्यार में सफलता और असफलता दोनों का संयोग है, बस आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अपने जीवन शैली को बदलिए, इससे रोमांटिक रिश्ते पर एक सकारात्मक प्रभाव पैदा हो सकता है। इससे अपने साथी के प्रति आकर्षण और अंतरंगता की वृद्धि में मदद मिलेगी। इसका प्यार और मोहब्बत के मामलों में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा। आपका आज का दिन बदलाव, क्रांति और उत्तकत भावनाओं के नाम रहेगा। आप हाथ पर हाथ धरकर बैठने और किस्मत के भरोसे रहने के बजाय खुद कुछ करना चाहेंगी। आपकी कोशिशें लक्ष्य की ओर केंद्रित होगी। आपकी भावनाओं की तीव्रता से आपके पार्टनर भी प्रभावित होंगे। रोमांटिक मामलों में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, ये आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। बात करते हैं करियर की। आज आप क्षमावान रहेंगे और उन्हें भी माफ करेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वे आपके सहकर्मी हो जिन्होंने जलन की भावना से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या आपका मालिक जिसने कभी आपकी बात नहीं सुनी और हमेशा से आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। आपकी वित्तीय स्थिति उच्च रहेगी, हालांकि आपको लाभ के लिए जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। आत्म मूल्य का विश्लेषण करने के लिए जीवन का यह चरण बेहतरीन है। किसी नए कार्य या नौकरी की पहल कर सकते हैं। रिश्ते को ताजा बनाए रखने के लिए आपका उनके लिए कुछ स्पेशल करना जरूरी है। अपने दिल की सुने और खुशी के मार्ग को स्वयं बनाएं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके अनुसार ही कार्य करें। योजनाएं बदलती है, नए मौके पैदा होते हैं और परिस्थितियां जीवन में अप्रत्याशित मोड़ लाती है। अपने कार्यस्थल में लचीला रवैया अपनाएं। आने वाले प्रेजेंटेशन और बैठकों की तरफ खास ध्यान दें। आप जो भी करें उसमें आनंद महसूस करें, यही आज का मंत्र है। आज कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। इस समय अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आपके विरोधी आपके प्रति कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सरकारी सेवारत लोगों को कोई बेहतरीन कार्यभार भी मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही शुरुआत करेंगे आपका मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा। फिर भी सामाजिक मुद्दे के कारण अपने सेहत को प्रभावित ना होने दें। आपको आने वाले दिनों में काफी तनाव का सामना भी करना है, इसलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें और खुश रहें। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।